आपके जो बच्चे नफरत में झुलसाए जा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े नेता आपके बच्चों के हाथ में तमंचे और तलवारें देकर उनको धर्म का स्वयंभू रक्षक बना रहे हैं, याद रखिएगा कि इनके बच्चे अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मोटा माल कमा रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। तो नफरत के इस खेल को समझिए, एकजुट होइए, इसको हराइए। अगर नहीं हराइएगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य के बारे में है। उनके बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, बहुत समृद्ध हैं और बहुत ठिकाने से लगे हुए हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नफरत की आग को भड़का कौन रहा है और क्यों भड़का रहा है। सवाल यह भी है कि सांप्रदायिकता की बलिवेदी जो हमारे बच्चे चढ़ रहे हैं, जो कुर्बान हो रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या पुलिस और प्रशासन इतना निकम्मा, इतना नपुंसक हो चुका है कि उनकी नाक के नीचे हत्या और हिंसा भड़काई जा रही है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे, या असल में पुलिस और प्रशासन सत्ताधीशों के निर्देश पर इसको अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। मीडिया का तो खैर क्या ही कहना, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक आपको एक शब्द सुनाई नहीं देगा और वो शब्द है जंगल राज। किसी भी टीवी स्क्रीन पर आपको योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे या विष्णुदेव साय की कोई तस्वीर दिखाई नहीं देगी। इस्तीफा मांगना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपके जो बच्चे नफरत में झुलसाए जा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े नेता आपके बच्चों के हाथ में तमंचे और तलवारें देकर उनको धर्म का स्वयंभू रक्षक बना रहे हैं, याद रखिएगा कि इनके बच्चे अमरीका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मोटा माल कमा रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। तो ऐसा कौन है जो चाहता है कि जलती हुई बस्तियों पर उसकी नफरत की रोटी सिकती रहे? आखिर कब तक सांप्रदायिकता की आग में निर्दोष लोगों के घर झुलसकर स्वाहा होते जाएंगे? आखिर कौन है जो इस देश के बेबस बेरोजगारों को ड्रग्स के नशे में झोंककर उनके हाथ में अवैध असलहे देकर उनको अराजक बना रहा है? और इसका ताजा उदाहरण अभी महाराष्ट्र से आ रहा है, जहां पर महज 50,000 रुपए के लिए बाबा सिद्दीकी की गरीब लड़कों द्वारा हत्या कराई जाती है और उनका पूरा जीवन इसके बाद बर्बाद हो गया। तो नफरत के इस खेल को समझिए, एकजुट होइए, इसको हराइए। अगर नहीं हराइएगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि यह आपके बच्चों के भविष्य के बारे में है। उनके बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, बहुत समृद्ध हैं और बहुत ठिकाने से लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।